देखिए, वे सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बातें कहते रहते हैं। उन्होंने भगवान राम का नाम तो लिया, मगर भगवान राम की मर्यादा नहीं सीखी। भगवान राम ने भी रावण को प्रणाम किया था, ये उनकी मर्यादा थी। मगर हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग जो खुद कांग्रेस में रहे, अरे अगर कांग्रेस रावण द्वारा थी तो आप क्यों रावण की पार्टी में रहते थे? क्यों आप रावण की पार्टी के अंदर इतने सालों तक मंत्री रहे? तब तो आपने सत्ता की मलाई खाई। आज सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो अब आप पुरानी पार्टी को जो है दोषारोपण कर रहे हैं, ये बात मर्यादा उचित नहीं है। अभी राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं भारत रहा है, अभी असम से गुवाहाटी में थोड़ी देर पहले आज सुबह क्लैश हो गया पुलिस के साथ, कांग्रेस वर्कर्स का उन्हें रोका जा रहा था। असम के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करें और इस मामले को कड़ाई से हैंडल करें, क्योंकि वे लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा को इतनी सी भी राजनीति नहीं आती। वे जितने हमले राहुल गांधी पे करेंगे, उतनी न्याय यात्रा के बारे में देश में चर्चा होगी। तो मुझे लग रहा है वो कर जिस भी उद्देश्य से रहे हों, मगर इसका फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पिछली राहुल गांधी को आमंत्रण दिया गया कि आपको न्याय यात्रा में शामिल हुए, तो आपको लगता है कि सैद्धांतिक समर्थन सबको देना चाहिए दिया जा रहा है? देखिए, मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं। ये तो जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैठ के जो है इसके ऊपर अपना फैसला करेंगे। मगर अगर वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारी पार्टी की तरफ से उनको पूरी शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि जो जन जागरण का काम वो कर रहे हैं उसके अंदर उनको सफलता मिले। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो उसमें शामिल होंगे, तो इसके बाद इस सवाल उठ के लोग भी जाएंगे उससे विपक्षी दलों के लिए। देखिए, वो वही, ये तो बड़े नेताओं के की जो मीटिंग है उसके अंदर इसके ऊपर जो है चर्चा होगी।